महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सांसदों और विधायकों के साथ लखनऊ पहुंचे। शिवसेना नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का सच्चा अनुयायी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पूरे विधायकों और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम बनने और शिवसेना का नाम और चुनावी चिन्ह मिलने के बाद पहली बार अपने सारे विधायकों और सांसदों को लेकर अयोध्या जाने के लिए निकले हैं। शिंदे शनिवार को देर रात लखनऊ पहुंचे हैं और रविवार को सुबह अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन कर एकनाथ शिंदे अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से पहले पूरे अयोध्या में शिवसेना के झंडे और मुख्यमंत्री के बैनर लगाए गए हैं। शिवसेना नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का सच्चा अनुयायी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पूरे विधायकों और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करने पहुंचे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व की है और पार्टी उससे दूर जा रही थी, हालांकि एकनाथ शिंदे उसे वापस हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते पर ले आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के बाद रामलला का ये पहला दर्शन है, ये असली हक हमें मिला है। पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा से फिसल रही थी, उसे वापस हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से रविवार को सरयू तट पर आरती की जाएगी, साथ ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस साल होने वाले महानगर पालिका के चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले इसे एकनाथ शिंदे की हिंदुत्व की राजनीति की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने कहा कि शिवसेना का यह अयोध्या का तीसरा दौरा है। इससे पहले के दो दौरे में मैं भी शामिल था, तब सीएम अलग थे, लेकिन अब चुनाव आयोग का निर्णय होने के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है। जो दो बार नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। इससे पहले महाविकास अघाड़ी के 100 दिन पूरे होने पर उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया था और पिछले साल मई में आदित्य ठाकरे भी अयोध्या आए थे। एकनाथ शिंदे के इस अयोध्या दौरे पर ठाकरे गुट के नेताओं ने कटाक्ष किया है। संजय राउत ने कहा कि जाने दो, राम सबके हैं, लेकिन राम सत्य वचनी है, राम सत्य के प्रतीक है। अगर वहाँ कोई बेईमान जाता है तो उन्हें राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। राम के चरणों में सब जाते हैं और मुख्यमंत्री को अयोध्या का रास्ता हमने ही दिखाया है। शिवसेना के इतिहास में बाला साहेब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे और अब एकनाथ शिंदे हर किसी के राजनीतिक करियर में अयोध्या की एक अहम भूमिका रही है। पिछली बार जब एकनाथ शिंदे अयोध्या आए थे तब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में शिंदे ने ठाकरे पर हिंदुत्व का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर बगावत की और अब उनकी ओर से खुद को हिंदुत्व का पालन करने वाले असली नेता बताने के लिए उनकी पार्टी कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। कैसी लगी आपको आज? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। खैर, आपका क्या कहना है एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।